हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। सीडीएलई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद 15 दिन का टाइम होता है रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का फॉर्म भरने का। तो यूनिवर्सिटीज़ में रीवैल्यूएशन ही होती है, यानी कि आपका पूरा पेपर चेक होता है। तो आपको किस तरह से भरना है ये फॉर्म, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो सीडीएलयू डिजिटल नाम से ये साइट बना रखी है। यहाँ पर 2017 के बाद जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर लिंक तो दिया हुआ है लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और पीआरएन नंबर और पासवर्ड आपका प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप करेंगे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। तो जिनके भी कम नंबर आए हैं या फिर वो चाहते हैं कि हमारा पेपर दोबारा से चेक हो तो वो फॉर्म ये वाला भरेंगे, तभी उनके नंबर जो बढ़ जाएंगे, या फिर अगर रिपेयर है तो वो पास होने का चांस बन जाएगा। तो सिंपल आपका जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर या पीआरएन नंबर है वो एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और साथ ही अपनी मदर का नाम आप एंटर करेंगे तो आपका ये डिटेल दिखा देगा। अगर ये ईमेल आईडी आपके पास चल रही है तो आप वही रहने देंगे, या फिर आप अपनी जो नई ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो इस पर एंटर कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर आप ऊपर देख सकते हैं, लास्ट में 1 है तो ओके है, नहीं तो आप यहाँ पर 9 के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना नया मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो एंटर कर देंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। तो यहाँ पर आप अपनी नई मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। सीडीएलयू जो यूनिवर्सिटी है 2017 के बाद जितने भी स्टूडेंट पास करने वाले हैं उनके जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद 15 दिन का टाइम मिलता है आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म रीवैल्यूएशन का भरने का। तो आपको ऑनलाइन भरना है फॉर्म, तो यहाँ पर आप रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का एक मैसेज आएगा, तो उससे आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार पीआरएन नंबर से लॉगिन करके देखते हैं क्या दिखाता है। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पूरी कम्प्लीट डिटेल के साथ। तो जो पीआरएन नंबर है उससे लॉगिन नहीं होने वाला आपका, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आया है आपके पास नए वाला रजिस्ट्रेशन, तो वो वाला आपको यहाँ पर एंटर करना है जो कि इस प्रकार से है। और साथ ही जो पासवर्ड आपके पास मैसेज आया है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है लॉगिन हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर नया पासवर्ड आपसे मांगेगा कि आपको नया पासवर्ड जो चाहें आप बना सकते हैं, जो आपको याद रहे वही आप बना लीजिए। इसमें आप कुछ वर्ड कैपिटल में, कुछ शॉर्ट में और साथ ही न्यूमेरिक का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर और एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर। तो दोनों ओटीपी आप एंटर कर देंगे और आगे का प्रोसेस इस तरह से होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अपना मोबाइल में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपके सामने पूरी डिटेल मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो नई अपडेट्स हैं सीडीएलयू या अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या फिर नौकरियों के बारे में आपको मिलती रहेंगी। तो जैसे आप चेंज पासवर्ड के ऊपर सबमिट करेंगे तो आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और नए वाला पासवर्ड से आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है, आपका नाम फादर नेम यहां पर शो करेगा और फिर आपको भरना है रीवैल्यूएशन। तो सीडीएलयू को जितने भी काम होते हैं इस आईडी पासवर्ड को आप सेव कर लीजिए, जितने भी काम होते हैं यहाँ पर ही होते हैं ऑनलाइन वर्क। तो आर के ऊपर यानी कि ऊपर ABC दी हुई है, जो भी काम करना हो जो फर्स्ट लेटर होता है उसका, उससे आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आर के ऊपर क्लिक किया तो वहाँ पर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन था और फिर आप यहाँ पर रीवैल्यूएशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एंटर करें अपना आधार कार्ड नंबर और उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, क्योंकि आगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड से ही होती है। तो अब आपका ये आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है
तो वो आप एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिस भी पेपर में आपकी रिपेयर है या फिर जिस पेपर में आप अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो पर पेपर, ये जो पर शीट है, आप जितने भी यहाँ पर टिक मार्क करेंगे जिसके आगे पर शीट, आपके 300 रुपये फीस चार्ज की जाती है। तो आपको वही शीट सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको लगे कि इसमें मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। तो एक या दो या तीन जितने भी आप भरना चाहते हैं रिवैल्यूएशन के फार्म, एक ही फार्म के अंदर आप शीट सभी भर दें और फिर आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करके और नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा फ़ीस का। तो फीस हम ऑनलाइन कटवाने वाले हैं, ये इसका स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर है और इनवॉइस नंबर है। तो इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर अपनी ये सारी डिटेल अपनी चेक करके और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपका पे नाउ का ऑप्शन है, तो पे नाउ में आप अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कटवा सकते हैं। आपके पास ओटीपी या फिर आप पासवर्ड से इसकी जो पेमेंट है वो कटवाएंगे और फिर अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। ये जो पेज आपका सक्सेस वाला आएगा तो इसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेंगे और साथ ही हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को आगे कंप्लीट देख लें और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा जो प्रोसेस है रिवैल्यूएशन फार्म का वो पूरा हो चुका है। इस फार्म को आप अपने पास सेफ रख लेंगे, लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो वो भी आप इनकी ऑनलाइन जो साइट है उसके ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। CDLU का रिज़ल्ट जो है आप लिखेंगे गूगल पर CDLU रिज़ल्ट तो आपके पास लिंक आ जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो भी आपको दे दूँगा एक, जिसको देख कर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, आप प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियोस में।